तो गाइस यार आज हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमको उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वो बहुत ज़्यादा जगह हमारे काम आती है, डेली लाइफ में भी आप उसका रोज़ एक दो बार तो इस्तेमाल करते ही होंगे, नहीं तो वैसे बहुत सारी इंडस्ट्री उनके बिना अधूरी है, इस चीज़ के बिना मतलब चल नहीं सकती। और यहाँ तक कि हमारे जो कपड़े हैं, बहुत सारे साजो सामान हैं, वो भी इस चीज़ के बिना एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाए जा सकते और पहने भी नहीं जा सकते हैं, सिलाई नहीं की जा सकती इसके बिना। जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है हमारा रस्सी, धागा, सूतनी डोरी या जेवरी। इन सब नामों से आप शायद हो सकता है परिचित हों, या ऐसा भी हो सकता है एक दो नाम तो आप इनमें से जानते होंगे और एक दो के बारे में आप अभी इस वीडियो में सुन रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी भी हैं और सुनी हैं। ये सब नाम के अकॉर्डिंग, जैसे कि इनका नाम अलग अलग है, वैसे इनका थोड़ा सा बनावट और बाकी का स्ट्रेंथ वगैरह भी थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन इनका जो कॉन्सेप्ट है और काम करने का जो तरीका है वो एकदम सेम होता है। और ये चीज़ बिल्कुल मैं मतलब एक तरीके से वेरीफाइड नॉलेज के साथ आपको बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से इस वीडियो में आपको जो जानकारी दी जाएगी वो एकदम सही है इस टॉपिक के बारे में। तो यहाँ हम बात करते हैं रस्सी या धागा या फिर सूतली या डोरी या जेवरी या और भी कुछ नाम हो सकते हैं आप लोग, हो सकता है लोकल लैंग्वेज में उसको कुछ अलग नाम से बुलाते हो, इस चीज़ को अलग नाम से पुकारते हो, संबोधित करते हो। तो ये रस्सी है जो, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस कॉन्सेप्ट के बेस पर काम करती है रस्सी या ये धागा सूतली, ये जो भी सारी चीज़ें हैं, यहाँ नाम थोड़े अलग अलग है लेकिन इनका कॉन्सेप्ट सेम है, हम इनको एक ही कैटेगरी के अंदर पढ़ रहे हैं रस्सी के अंदर। तो इनका कॉन्सेप्ट क्या है ये चीज़ देख रहे हैं। अब यहाँ आपने एक और चीज़ है बहुत ही कॉमन जो आपने जरूर देखी होगी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक कपड़े का टुकड़ा है और जिसमें इस तरीके के कुछ फाइबर्स निकल रहे हैं, ये सभी धागों में, सभी एक तरीके से रस्सियों में, डोरियों में, सूतलियों में इस तरीके फाइबर निकलते हैं सभी, है ना। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। अब ये फाइबर किस प्रकार से बने हैं, तो यहाँ हम लिखते हैं जो रस्सियाँ हैं वो एक तरीके से फाइबर से मिलकर बनती हैं बस। तो यहाँ एक चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन है जिसको हम जानते हैं कि रेशों की एकजुटता, ये हर रस्सी का मेन कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा एक दूसरी चीज और हो सकती है रेशों का संगठन, अब यहां दोनों ही बातों का एक ही मतलब है, रेशों की एकजुटता या रेशों का संगठन, कि जिस जगह पर या जिस चीज में रेशे या फाइबर्स एक जगह मौजूद पाए जाते हैं वही रस्सी, सूतली या डोरी कहलाती है। लेकिन यहाँ इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये चीज देखी जाए तो जो भी रस्सियां हम देखते हैं उन सब में ऐंठन लगी हुई होती है, एक तरीके से उनको ऐंठा जाता है, मरोड़ उसके अंदर लगी रहती है, जिसको हम बोलते हैं कि इसमें बल लगाया हुआ, एक तरीके से बल भी बोलते हैं, मरोड़ या ऐंठन उसके अंदर अवश्य लगी हुई होती है। तो यहाँ ये मरोड़ या ऐठन ये क्या काम करती है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब ये मरोड़ क्यों लगाई जाती है, क्या बिना मरोड़ के रस्सियां काम नहीं करेंगी, केवल बहुत सारे रेशे लिए और डायरेक्ट उनको बांध दिया, ऐसा क्यों है मतलब कि ये मरोड़ ही लगाई जाए तो भी वो रस्सी बढ़िया बनेगी या अच्छा काम करेगी। तो इसके पीछे एक साइंस का एक फैक्टर है जिसको आप जानते होंगे शायद, और उसका नाम तो आपने सुना होगा फ्रिक्शन या घर्षण। यहाँ जो घर्षण है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, लगभग 90% जो योगदान है रस्सी की मजबूती बढ़ाने का वो घर्षण का। इसके अलावा मरोड़ से एक और फायदा मिलता है, सभी जो रेशे हैं वो संगठित रहते हैं, मरोड़ लगाएंगे तो सारे रेशे एक जगह संगठित हो जाएंगे, फैलेंगे नहीं, एक तो ये फायदा। और दूसरा जो फायदा है वो है घर्षण का, क्योंकि मरोड़ लगाने पर जो रेशे एक दूसरे के संपर्क में आ रहे थे जिनका क्षेत्रफल कम था, जब मरोड़ लगा दी जाएगी, एग्जाम्पल से हम बताते हैं आपको कि भाई ये दो लाइन है, मान लो ये फाइबर है, अभी तो यहाँ दोनों पास पास हैं तो इनका सिर्फ ये वाला लेयर इस तरीके से कॉन्टेक्ट में आएगा, और जब एक दूसरे को इस तरीके से लपेट मार के ऐंठ के लगा दिए जाएंगे, बुन दिए जाएंगे, तो यहाँ इनका जो कॉन्टेक्ट एरिया है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपस में वो इस तरीके से गुज जाएंगे। तो कॉन्टेक्ट एरिया ज़्यादा होने के कारण जो संपर्क सतह है उसके बीच में जो घर्षण लगेगा वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इस कारण से रस्सी की मजबूती बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ सबसे जो मुख्य घटक है रस्सी की मजबूती को बढ़ाने वाला वो है घर्षण या फ्रिक्शन, ये काम करता है, लगभग 90% इसी का योगदान है, 10% और पदार्थ की मजबूती है और कुछ चीजें हो सकती हैं, जैसे कोई एडहेसिव वगैरह लगा दिया जाए, पानी वगैरह लगा दिया जाए तो उससे भी मजबूती बढ़ती है, लेकिन जो घर्षण है वो सबसे ज्यादा मजबूती बढ़ाता है। ये हो गई इसकी कार्यविधि या वर्किंग प्रोसेस, कि भाई अगर मरोड़ लगा दी गई है
फाइबर्स के बीच में ये कुछ डीएनए के जैसी संरचना है। मान लो यहाँ पे दो रेसे थे जो बहुत पतले धागे थे, वो किसी भी चीज के हो सकते हैं, प्रोटीन के भी हो सकते हैं रेसे बने हुए, कार्बोहाइड्रेट के, सेलुलोज के रेसे हो सकते हैं, या फिर नाइलॉन 6/6 का भी कोई रेसा हो सकता है, वो सबसे मजबूत होता है। जैसे लोहा, इस्पात, कॉपर, इस चीज का भी रेसा हो सकता है, किस मेटल का भी। तो अगर उनको इस तरीके से आपस में लपेट दिया जाए, उनको ट्विस्ट कर दिया जाए, तो उनकी मजबूती इस कारण से बढ़ जाती है कि भाई वहां पे घर्षण जो है वो ज्यादा हो जाता है, घर्षण उसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, घर्षण की जो क्वांटिटी थी वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, इस कारण से रस्सी की मजबूती बढ़ जाती है। जैसे हम खींचते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ये तो आ गया इसका जॉइंट, और एक जो रस्सी थी वो यहाँ चली गई, अब दूसरी वाली जो रेसा था उसको आगे इसमें लपेटेंगे तो उसके लिए भी यहाँ ये प्रोसेस अपनाई जाएगी, उसको भी इस तरीके से इसके साथ लपेट दिया जाएगा। तो जो यहाँ इनके दोनों सिरे हैं, इनको किसी भी चीज की सहायता से चिपकाया नहीं जाता, बस डायरेक्ट एक एंठल लगा दी जाती है, वो ऑटोमेटिक चिपक के रुक जाते हैं आपस में, वो फिर छूटते नहीं है, फ्रिक्शन की वजह से खींचते भी नहीं है। हाँ, एक फोर्स लगाते हैं तो रस्सी, जो भी कोई रस्सी टूटती है वो इस प्रकार से टूटती है कि उसमें ना उसके एंड पर एकदम इस प्रकार की कट नहीं होती है, ऐसे ऐसे रेसे निकले हुए होते हैं, कभी कोई बड़ा है या कोई छोटा है, इस प्रकार से रेसे वहां निकले हुए होते हैं। ये रस्सी का सिरा इसी कारण से ऐसे टूटता है क्योंकि यहाँ जो सिरे फंसे हुए थे इस प्रकार से आपस में, वो ऐसे टूटकर इस तरीके के फाइबर निकल कर उनको नजर आते हैं। यही कारण था कि उनका फ्रिक्शन मुकाबला नहीं कर पाया उस फोर्स का जो उस पर लगाया गया था, इस कारण से वो अलग अलग हो गए, उसके रेसे जो है वो रस्सी टूट जाती। यही कारण होता है सब रस्सियों को लपेट कर बनाया जाता है, मतलब उनको टर्न करके तब बनाया जाता है। अब यहाँ साथ के साथ एक चीज पढ़ लेते हैं, हमने इसका एक्शन देख लिया कि ये काम कैसे करती है रस्सी, फाइबर्स को लपेटने के बाद रस्सी का असली काम शुरू होता है, मजबूती बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मजबूती का कारण होता है घर्षण, और मरोड़ या एंठन जो है वो रेसों को एकजुट करने का काम करती है, उनको संगठित बनाए रखती है ताकि रेसे फैले नहीं, इस प्रकार से रस्सी का संगठन और मैकेनिज्म होता है। अब एक चीज और है, वो है रस्सी के टाइप या प्रकार, भाई रस्सी कितने प्रकार की होती है। एक सबसे कॉमन रस्सी वो है एक लड़ी की, इनमें से एक धागा एक लड़ी का काम करता है, एक स्ट्रैंड का काम कर सकता है। एक लड़ी रस्सी बहुत ही कॉमन रस्सी होती है, जैसे घास फूस के जो पतले रेसे होते हैं उनको सिर्फ एक के साथ रेसों को लेकर बस डायरेक्ट दोनों सिरों पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उनको टर्न कर दिया जाता है, तो वो रस्सी बन जाती है। फिर उसको लपेट लिया जाता है और वो छान वगैरह कुछ छत बनाते थे पुराने टाइम में, उनमें काम आती थी, उसकी भी काफी मजबूती होती है, पानी जैसे ही पड़ता है तो जो घास फूस से रस्सी बनाई जाती है उसकी मजबूती बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसका ये कारण है कि ये इसकी जो लड़ी होती थी वो आपस में पानी को अवशोषित करके फूल जाती है, और फूलने के बाद उनकी मजबूती और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उनका बलागुण जो था वो आपस में टाइट हो जाता, इस कारण से वो बढ़ जाती। अब एक दूसरा जो प्रकार है वो है दीव लड़ी, और एक और होता है अगला प्रकार। दीव लड़ी में सिंपल सी बात है, दो लड़ियाँ आपस में गूंथी जाएंगी, और तीसरा प्रकार है वो त्रि लड़ी है, इसमें यहाँ तीन लड़ियाँ आपस में गूंथी जाती हैं इस प्रकार से। फिर एक जो सबसे लास्ट प्रकार है वो है चतुष लड़ी, उसमें होती है चार स्ट्रैंड इस प्रकार से बनाई जाती है, चार स्ट्रैंड के साथ इसको यूं यूं ट्विस्ट करके, ये मोटा इसको रस्सा भी बोलते हैं रस्सी की बजाय। और नाइलॉन का अगर ये रस्सा बनाया जाता है या रस्सी बनाई जाती है तो ये सर्वाधिक मजबूत होती है, क्योंकि नाइलॉन का जो रेसा है सिंगल रेसा वो इस्पात के रेसे से ज्यादा मजबूत होता है। मान लीजिए ये इस्पात है तो ये कम मजबूत रहेगा, और ये नाइलॉन है तो ये ज्यादा मजबूत रहेगा, ये बहुत पावरफुल रहेगा, ये स्ट्रांग रहेगा इस इस्पात की बजाय। एक एक रेसा वजन लटका कर हम देखेंगे, और एक रस्सी से संबंधित प्रैक्टिकल वीडियो हम आपको दिखाएंगे, वो चैनल पर जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी, इस वक्त तो है नहीं चैनल पर अभी, उसमें दिखाएंगे कि भाई किस तरीके से रस्सी ये एक्शन करती है, और इसको ट्विस्ट करने पर इसका घर्षण बल बढ़ने के कारण कैसे इसकी सामर्थ्य